नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है कि बोला जाता है कि विद्यार्थियों के अंदर वो जज्बा है कि वो चाहें तो किसी को भी झुका सकते हैं। तो इसी क्रम में जो नोटिफिकेशन में आपके निकला था प्राइमरी के लिए, साफ साफ लिखा था कि तकनीकी वाला, जो इस पॉइंट पर मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था और ये भी बोला था कि हर राज्य में बीटेक वाला बंदा प्राइमरी का टीचर बन सकता है अगर उसने बीटेक के साथ बीएड किया है। तो यहां पर जो वो पॉइंट लिख दिया गया था कि जो ये तकनीकी अर्हता रखते हैं वो 1 से 5 तक के लिए शिक्षक नहीं बन सकते, उस पर काफी चेंजेस हो गए हैं। बिहार बोर्ड जो आपका एक तरह से बीपीएससी ने उस पर चेंज कर दिया है, आपके एक तरह से बोला जाए बिहार शिक्षा जो एजुकेशन बोर्ड है उसके और बीपीएससी दोनों मिलकर इस पर एक्शन ले चुके हैं। तो ऐसे ही जो आपकी समस्याएं हैं, अगर आप समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं छात्रों के लिए तो एक ही चीज है, अगर आप अपने मांग के लिए आंदोलन नहीं किए तो आपका दमन हो जाएगा, आपके राइट्स का दमन कर लिया जाएगा। इसलिए आप सभी जो लोग बिहार में हैं, आप सभी इकट्ठा होकर ऐसे ही जैसे प्राइमरी में बीटेक वालों को बीसीए वालों को अलाउ किया गया, पहले तो ऐसे ही लिखा था कि तकनीकी शिक्षा वाले नहीं अलाउ हैं, तो इससे स्पष्टता यही हो रही थी कि बीटेक वाले प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकते अगर वो बीएड किए हैं। तो ऐसे ही जो एस्टेट आपका अगर हम बात करें, चाहे सीटेट 2023 में अपियरिंग कैंडिडेट हैं ये भी अपनी बात मनवा सकते हैं, और सीटेट जो 2023 वाले हैं ये तो फॉर्म जरूर भरिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका एग्जाम रिजल्ट 31-8 से पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं, उसमें आपका उसका कोई रोल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। रही बात दूसरी कि अगर एस्टेट आपका हुआ नहीं है, जैसे क्लास 9th और 10th की बात कर लें, 11th और 12th की बात कर लें, तो कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 2019 के बाद स्टेट में आपका एस्टेट नहीं हुआ है, तो इस पर भी गवर्नमेंट को या बीपीएससी के चेयरमैन को एक्शन लेना चाहिए कि अगर ये बच्चे कहां जाएंगे जो 2019 के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और एस्टेट हुआ नहीं तो कहां से एस्टेट देंगे, इस पर भी विचार विमर्श करना चाहिए और यह भी मुद्दा लेकर आपको बीपीएससी कार्यालय पहुंचना चाहिए। जब एकजुट होकर आप कार्यालय पहुंचेंगे तभी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, जैसे यहां पर रिजल्ट मिला है। अगर हम बात करें रिजल्ट क्या क्या मिला है, कई चीजें चेंज हुई हैं, आपको यह क्लियर हो रहा होगा तो मैं यहां पर दिखा दूं। सबसे पहला चीज यहां पर चेंज हुआ है, जो आपका गणित की अर्हता मांगा जा रहा था ना, तो गणित वाले अहर्ता में बोला है कणिका 2.2 में गणित हेतु अंकित शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर पर गणित के साथ, अगर आप स्नातक स्तर पर गणित के साथ कोई भी सब्जेक्ट इसमें से पढ़े हैं, भौतिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस रसायन विज्ञान या संख्या की विषय में से कोई भी दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा मतलब गणित के साथ इनमें से कोई भी दो विषय आपने पढ़ा है तो क्या होगा, आप मान्य होंगे इसके लिए, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। यह क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए ठीक है की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, मतलब बीटेक के सभी ट्रेड जो है अलाउ है, ठीक है, बीटेक वाले सभी क्लास 9th और 10th के मैथ टीचर के लिए आपको एलिजिबल किया जा रहा है। पहले सिर्फ इंजीनियरिंग बोला था, अब इसके साथ बोला है कि जो बीसीए वाले स्टूडेंट हैं वो भी आपके क्या है 9th 10th के मैथ टीचर के लिए एलिजिबल है। लेकिन बात तो यहां फंस जाती है, ठीक है हम बीटेक बीसीए वाले हैं, अभी हमने 20 में कंप्लीट किया चाहे हमने 22 में कंप्लीट किया बीटेक, तो हमारे पास एस्टेट तो नहीं है पेपर, तो इसको क्यों लगा दिए गुरु, ये एस्टेट पेपर 1 क्यों लगा दिए अगर बीटेक मांग रहे हो तो। तो जब हम 2019 के बाद बीटेक कंप्लीट किए हैं, 20 में कंप्लीट किए हैं, हम एस्टेट नहीं दिए या हमें जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि बीटेक के बाद हमें एस्टेट देना है, तो ये आप एस्टेट क्यों लगा दिए। लेकिन यहां पर जो अहर्ता होगी वो बीटेक बीसीए प्लस एस्टेट का पेपर वन और इनके साथ बीएड भी, ये ध्यान रखिएगा, इनके साथ बीएड भी मांगा है। अगर इनका यह मामला होता कि सिर्फ बीटेक को अलाउ करते
तो इनको अहर्ता में जो लिखा था एलिजिबिलिटी में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ये तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया, इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा है बीएड हर जगह रखा है ग्रेजुएट, इसको भी आपका इंजीनियरिंग क्या है, ग्रेजुएशन ही तो है, बीसीए क्या है, ग्रेजुएशन ही है। इन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है जैसे कंप्यूटर साइंस में अंतिम में जाके लिख दिया है बीएड जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैथ वाले में अहर्ता में आपको नहीं कहीं लिखेगा कि बीएड जरूरी नहीं है। तो ये कई ऐसे पॉइंट है जो अभी भी समस्या दे रही है बच्चों को, जो कंफ्यूजन के स्थिति में है, बीटेक तो हमारे पास है लेकिन हमने बीएड नहीं किया है, ठीक है, बीसीए हमारे पास है, अगर हम बीएड नहीं किए तभी भी आप टीचर हो सकता है, नहीं बन पाओगे क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि क्लियर ना हो, ठीक है, आप अगर ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें जवाब देना पड़ेगा, तो कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। तो अभी जो अर्हता हो गई बीटेक प्लस बीएड प्लस एसटेट पेपर वन, जो अगर आपने क्वालिफाई किया है बीसीए प्लस बीएड या एसटेट पेपर वन आपने क्वालिफाई किया है, तब आप मैथ के नाइन्थ टेंथ के टीचर बन सकते हैं, ठीक है, टीचर आप बन सकते हैं। अब मेन बात तो यही हो गया एसटेट पेपर वाला, और जब बीटेक बीसी आप मांग रहे हैं तो बीएड की क्या हो सकता है, ठीक है, इसे भी आप मैथ वाले में भी लिख देना चाहिए था कि बीएड जरूरी नहीं है जो आपने नहीं किया। तो इस पर भी आप लोग एक बार मांग रखिए बीपीएससी पे जाके, जो लोग पटना में हैं इस बात पर उनको गौर कराइए, तो हो सकता है जैसे बीसीए शामिल किया गया है वैसे हो जाए। ऐसे ही कक्षा 11-12 के लिए जो बायोलॉजी का था उसमें आपका ये बॉटनी जूलॉजी वाला लाइन हटा दिया गया है, ये ध्यान रखिए। अब जिसने भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस या जेनेटिक या माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी से किया होगा, वो सभी अब आपके 11-12 के बायोलॉजी के टीचर बन सकते हैं। और क्या बात की गई है यहाँ पर, सबसे बड़ी खुशखबरी है उन प्राइमरी वाले बच्चों को जो हमसे कई बार पूछ रहे थे, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था और कहा भी था कि हर स्टेट में आप एलिजिबल हैं तो बिहार में क्यों नहीं होंगे, ये हो गया है। यहाँ पर देखिए बोला गया था जो ये अंश आपका कि समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा पाश्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक वर्ग 1-5 पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है, ठीक है, ये जो लाइन लिखी थी को विलोपित किया जाता है, मतलब हटाया जाता है, जो लाइन है आपकी जब हटा दी गई तो साफ बात है कि बीटेक के साथ जो भी बंदा आपका क्या किया होगा, बीटेक के साथ बीएड होगा, सीटेट आपका पेपर क्वालिफाई होगा पहला पेपर या बीटेट पेपर पहला आपका क्वालिफाई होगा तो आप एलिजिबल हैं। ऐसे ही आपके बीसीए वाले भी आपका अगर बीएड किए हैं और सीटेट क्वालिफाई हैं, सीटेट पहला पेपर क्वालिफाई हैं या बीटेट आपके पहला पेपर क्वालिफाई हैं, तो ये आपके प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं। पहले जो ये एक पॉइंट दे दिया था जो लोगों ने कह रहे थे, सभी लोग कह रहे थे कि नहीं बीटेक वाले राउ नहीं है, लेकिन मैं अकेले बोला था कि उसका मतलब ये नहीं होता, और होता भी है तो ये सरासर गलत है। और यही साबित हुआ कि यहां पर इस लाइन को ही हटा दिया गया नोटिफिकेशन से संशोधित करके, कि ये बीसीए इसका मतलब ही हो गया क्लियर कि ये भी वाले और ये सभी ग्रेजुएशन ये भी होता है, तो सभी ग्रेजुएशन वाले जो आपके बीएड किए हैं और उनके पास सीटेट पास हैं, सीटेट या बीटेट पास हैं, तो वो आपके एलिजिबल होंगे, ठीक है। बाकी इसके लिए अहर्ता तो एक क्या है, 12th के साथ प्राइमरी क्या होता है, 12th के पास पास आप साथ आपका डीएलएड है तभी भी आप एलिजिबल हैं, 12th के साथ डीएलएड है या ग्रेजुएशन के साथ आपका क्या है बीएड है, ग्रेजुएशन के साथ अगर बीएड है, और यहां पर भी सीटेट और एसटेट सीटेट और बीटेट होना चाहिए आपका, बीटेट आपका पहला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, यहां पर ग्रेजुएशन बीएड और सीटेट और बीटेट आपका पहला पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। तो उसी तरह यह भी एक जनरल ग्रेजुएशन हो गया है, बिहार बीटेक वाले जो बीएड किए हैं, बीसीए वाले जो बीएड किए हैं, निश्चिंत हो जाइए आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को डाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद भी कोई आपको परेशानी है,
कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक स्पेशल बात आप लोगों के लिए, आप लोगों का जो प्राइमरी का वैकेंसी है, प्राइमरी के वैकेंसी के लिए परीक्षा प्लस टीम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चला रही है। आप इस कोर्स से जुड़ने के लिए परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, वहां से आप जुड़ सकते हो। पूरी एक लाइन से सभी क्लासेस, वीडियो क्लासेस हमारी फ्री है। अगर आपको इसके एससीईआरटी बेस्ड, जो एससीईआरटी आपका है स्टेट एजुकेशन वाला, बुक के बेस्ड पर नोट्स चाहिए 1 से 5 तक, वो आप नाम मात्र 399 रुपया पे करके ले सकते हैं। बाकी आपकी अगर और कोई क्वेरी रह गई हो वो आप इस कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन अभी भी नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बच्चों को कंफ्यूजन में डाले हैं या वो नहीं होने चाहिए। जैसे एस्टेट का सबसे बड़ा पॉइंट है कि 2019 के बाद हुआ नहीं, तो कुछ विषय ऐसे हैं तो उन विषयों का क्या होगा जिसका एस्टेट हुआ ही नहीं। तो इस पर जरूर गौर करना चाहिए अध्यक्ष महोदय को, और कहीं ना कहीं इस पर भी कुछ निर्णय उनको बताना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।